हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आज एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने कहा था कि एक पार्सल मुझे रिसीव हुआ है और वो पार्सल मैं अनबॉक्स करूँगी और उसका वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। सो वेलकम बैक एंड थैंक यू सो मच कि आपने बहुत अच्छे सारे कमेंट्स किए हैं मेरे पहले वाले वीडियो को। काफ़ी सारे सजेशंस भी मिले हैं और उसमें रिक्वेस्ट भी आई है कि ये वाली वीडियो बनाइए या वो वाली वीडियो बनाइए, बहुत सारी है। तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगी दोस्तों आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट करने की, भले टाइम लग जाए, ऑन प्रायोरिटी ना हो पाए बिकॉज़ अदर वर्क्स स्केड्यूल और उसकी वजह से। लेकिन मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपकी जो भी रिक्वेस्ट है मैं वो वीडियो बना के पोस्ट करूँ। ठीक है, ये एक नए सेलर है, इनसे मतलब ये जो पार्सल है वो मेरी दोस्त ने मेरे लिए भेजा है। एक्चुअली मेरी फ्रेंड है, उसने मेरे लिए ये पार्सल भेजा है और ये गिफ्ट है उसकी तरफ से। उसे पता है कि मुझे पसंद है क्लेस, तो वो मुझे भेजती रहती है। तो ये यूट्यूब सेलर है, एक यूट्यूब की फैमिली की एक मेंबर है और जो सेल करते हैं वो है TNSP सेलर, जिनका कंप्लीट नाम है तमिलनाडु स्लेट पेंसिल सेलर। उनसे मैंने पहले भी एक बार मंगाया था मेरी दोस्त के ही थ्रू, क्योंकि उसने उनके क्लेस ट्राई किए थे और काफ़ी सारे अच्छे क्लेस लगे थे उसको। उसने कहा था कि ये ज़रूर ट्राई करना, उनकी क्वालिटी क्लेस की अच्छी है। तो इसी के लिए मैंने उनसे उसे कहा था कि फिर अगर मंगाना है तो मुझे भी उनके कांटेक्ट नंबर्स दीजिएगा। तो मैंने यूट्यूब पे जब चेक किया तो वहाँ पे उनके ऑलरेडी कांटेक्ट नंबर्स है। फिर भी मैं आपको अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी, लेकिन क्ले रिव्यूज़ के बाद ऑब्वियसली मुझे देखना तो पड़ेगा ही कि कैसे क्लेज है, क्या है इनकी क्वालिटी, क्या है, तभी जाके मैं उनके डिटेल्स अपलोड करूँगी। और मैंने उनसे मतलब मेरी दोस्त ने उनसे पूछ के रखा है अगर आपके क्लेस अच्छे हुए और अगर डिटेल्स डालने हुए चैनल पे तो आप अलाउड करोगे क्या, एंड ही सेड यस आप डाल सकती है। तो उसके लिए पहले से ही परमिशन लेके रखी है, लेकिन तभी डालेंगे जब क्वालिटी अच्छी होगी और क्लेस अच्छे होंगे। तो ये मैंने बटरक्री मंगाया है, मैंने नाकुमट मैं मंगाने वाली थी, मैंने मंगाया नहीं है अभी तक। अब मैं मंगाऊंगी उनसे, पहले ये ट्राई कर ले उसके बाद, क्योंकि क्या होता है कि नए सेलर्स जो होते हैं जब तक आप खुद ट्राई ना करें आप किसी को ये बता नहीं सकते हैं कि उनके केस कैसे हैं। आपके ट्राई करने के बाद, क्वालिटी के बाद ही आप किसी को बोल सकते हो कि हाँ इनके क्लेज अच्छे हैं या उनके क्लेज अच्छे हैं। इसलिए आपने देखा होगा मैंने इतने अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर किए, लेकिन मैंने कभी किसी के डिटेल्स नहीं अपलोड करे, जस्ट बिकॉज़ वो एक तो पहले ना बोल देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पे कुछ लोगों ने बहुत बवाल कर रखा है सेलर्स के लिए। वो पता नहीं वो सच्चा झूठा, आई रियली डोंट नो, मुझे उसमें पढ़ना भी नहीं है। बहुत गलत बातें हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी, नहीं बोलनी चाहिए थी, फिर भी ठीक है, इट्स ओके। हर किसी की चॉइस होती है, हर किसी को किसके बारे में क्या कहना है वो उसका पर्सनल ओपिनियन है। इसीलिए मैं हमेशा परमिशन लेके ही काम करती हूँ, बाद में जो होता है वो मुझे नहीं चाहिए होता है। तो इसके लिए पैकिंग तो अच्छा है उनका, एज आई कैन सी पैकिंग अच्छा है, मैंने ऊपर से ही निकाल दिया उसको। ये है बटर ग्रे, ये मैंने 2 किलो बोला था उसको, उसने मुझे पूछा था कि क्या चाहिए, मैंने बोला बटर ग्रे ही भेज दो। आई एम रियली सॉरी फॉर माई कैमरा, मेरा कैमरा बिल्कुल सही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि मेरा जो स्टैंड है वो टूट चुका है। ये क्रम्बल्स है, बटर ग्रे क्रम्बल्स। थोड़ी पाउडर ही है बट क्रम्बल्स अच्छे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फाइन क्रम्बल्स नहीं है। इसको निकालेंगे हम ज़रूर,
पर ये है जंक्स, बैग टूट चुका है पैनल में एक, ये जंक्स है, इसको भी हम निकालेंगे एक डिश में। और ये फाइन वाले क्रम्बल्स है, उन्होंने मिक्स क्रम्बल्स दिए, एक चंक वाले और एक फाइन क्रम्बल्स दिए। आई जस्ट होप आपको दिख रहा होगा, कैमरा को कैमरा सही से सेट नहीं हुआ है शायद उस वजह से। और हाँ, ये है सैंपल, पंजाब की मिट्टी का सैंपल। मैंने आज तक कभी पंजाब की मिट्टी ट्राई नहीं की है और मुझे ये करनी थी। ओह, लेट मी स्मेल, स्मेल तो नहीं है इसमें, इसमें स्मेल नहीं आती है क्या, पता नहीं, पानी में भिगो के देखते हैं। वेट, आई हैव वाटर। नाउ आई कैन गेट स्मेल, बहुत अच्छी स्मेल है। चलो इसको भी क्रंच करेंगे ज़रूर, बट नॉट नाउ, पहले हम ये देख लेते ग्लेस कैसे है। इसको साइड पे रख देंगे। हम इसको बोल में निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो हम चंक्सें निकालेंगे, ये जो चंक्स है पहले हम उसे निकालेंगे। अच्छा पैकिंग है, जिप लॉक बैग दी है उन्होंने। अगर ये जो क्लेज है आप अभी, अब मैं निकाल के दिखा रही हूँ, लेकिन बाद में भी आप इसी में स्टोर करिएगा। जिप लॉक बैग अगर आप यूज़ करते तो इसकी क्वालिटी और इसका क्रंचीनेस मेंटेन रहता है हमेशा, और किसी और चीज़ का टेस्ट इसमें नहीं आता है। चंक्स तो काफ़ी अच्छे है। ओह नाइस, वेरी नाइस, बिग चंक्स। ये हाफ के जी, वेरी नाइसली रोस्टेड चंक्स, सी यू कैन सी, वेरी नाइसली रोस्टेड। अच्छे चंक्स, काफ़ी अच्छे हैं, सी द लेयर्स। गुड गुड वन, अच्छे है चंक्स, अच्छे लग रहे हैं मुझे इनके। थोड़ा पाउडर ही है नीचे, लेकिन वो हर इसमें होता ही है, हर किसी में होता ही है पाउडर। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि वो चुन चुन के नहीं डालते, रैंडमली ही भेज देते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा पाउडर ही मिलेगा आपको। बट इट स्मेल्स वेरी फ्रेश, वेरी फ्रेश, मुझे बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है इनका। मतलब यहाँ पे बोल है लेकिन फिर भी आई कैन स्मेल इजीली, क्वाइट क्रंची आई मस्त है। इसका टेस्टिंग तो ज़रूर बनता है और ये वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर होगा। ये सेम है, ये मैंने 1 kg मंगाया था, बिग चंक्स में 1 kg,